Let's see the next question. The logic function implemented by following 4:1 marks is. और डायग्राम आपके पास है और ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो देखते हैं यहाँ पर कि जो जेड आउटपुट है 4:1 मार्क्स के लिए, मतलब चार इनपुट है और एक आउटपुट है. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं. मतलब एक्स की जो वैल्यूज है, एक्स और वाई की, एक्स इज बेसिकली MSB एंड वाई इज बेसिकली LSB. तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं. 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. इसके लिए आउटपुट हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है. जब 0 0 की बात करें तो inode जो है वो आउटपुट पर मिलेगा, मतलब जो आउटपुट जो जेड है हमारा वहां पर मिलेगा हमें एक्स. जब हम 0 1 की बात करें तो हमें आउटपुट पर मिलेगा वाई. और जब हम लोग 1 0 की बात करें तो आउटपुट पर मिलेगा हमें एक्स. और जब हम लोग 1 1 की बात करें तो आउटपुट पर मिलेगा हमें 0. तो ओवरऑल अगर जेड का हम लोगों को फंक्शन बनाना है, मतलब आउटपुट फंक्शन क्या होगा वो निकालना है, देन जेड विल बी इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट इनटू दिस आउटपुट. एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट इनटू दिस आउटपुट एक्स. प्लस नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई इंटू वाई प्लस नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स. और प्लस लास्टली बात की जाए तो ये ऑलरेडी 0 है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो दैट विल बी 0. तो इसकी 0 की बात करेंगे नहीं हम लोग. अब इन सबको सॉल्व करते हैं. देखिए x कॉम्प्लीमेंट इंटू x मीन्स एंड ऑफ x कॉम्प्लीमेंट एंड x विल बी 0. तो ये तो हो गया हमारा 0, बच गया ये और ये. x कॉम्प्लीमेंट y इंटू y विल बी y. तो x कॉम्प्लीमेंट y मिल गया यहाँ से. प्लस x इंटू x इज x एंड y कॉम्प्लीमेंट. x कॉम्प्लीमेंट y प्लस x y कॉम्प्लीमेंट विल बी what? This is x XOR y. Then this one, this option is correct.